साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ आपके बीच में पुनः उपस्थित। उत्तर कुंजी प्रकरण को आज आप सभी को पता था कि आज आपके प्रकरण को जो है सुनना था इलाहाबाद बेंच में, और जिसकी हियरिंग आज जो है लगी हुई थी, तो उसकी विषय में संपूर्ण जानकारी आपके बीच में रखूँगा। तो फटाफट जुड़ जाएंगे जितने भी साथी हैं, क्या है संपूर्ण अपडेट जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहली चीज़, आज आपका मामला जो है वो लखनऊ बेंच में लगा था, कोर्ट नंबर 4 में, सीरियल नंबर 6 पे आपका मामला लगा था, जिसके विषय में हमने समस्त काज लिस्टों के बारे में आपको जो है प्रॉपर जानकारी वीडियो के माध्यम से दे रखी थी कि कितने केसेस हैं, क्या है संपूर्ण मामला। तो आज आपका मामला हमने पहले भी बताया था कि जब तक डबल बेंच का आदेश जो है नहीं आ जाता, तब तक जो है यहाँ की कार्रवाइयाँ आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि डबल बेंच के आदेश के बिहाव पे जो है वो ऑर्डर यहाँ पे फॉलो होगा आपका। तो आज हियरिंग हुई, सारी चीज़ें जो है माननीय अधिवक्ता महोदय द्वारा जज साहब को बताया गया, बिंदुवार चीज़ें समझाई गई कि किस प्रकार से जो है इलाहाबाद में चीज़ें डिसाइड हुई हैं, ठीक है। ऑर्डर वगैरह के विषय में भी बताया गया, और ऑर्डर आने के बाद वो चीज़ जो है प्रभावी रहेगा जैसे ही आपकी नेक्स्ट डेट लखनऊ में लगती है। अब बात करते हैं लखनऊ में नई तारीख और नई डेट के विषय में। तो लखनऊ में जो नई तारीख होगी वो 2 सप्ताह के बाद आपकी लगेगी, और प्रॉपर डेट क्या है 2 सप्ताह के बाद ये नहीं पता है, लेकिन जो 2 सप्ताह बाद जो भी डेट लगेगी ऑर्डर आने के बाद वो आपको स्पष्ट करा दिया जाएगा कि कौन सी डेट पे आपकी लखनऊ में सुनवाई होगी। तो कुछ साथी अभी दिमाग लगाएंगे कि डेट फिर से डेट मिल गई, तो डेट ना मिलने पे आप किस बेस पे बहस कराते, जब डबल बेंच में आपका मामला ऑलरेडी फाइनल हो चुका है, ठीक है, वहाँ से चीज़ें हो चुकी हैं, तो सिंगल बेंच में वो आदेश क्या किया जाता है फॉलो होता है, ये तो एकदम कॉमन सी चीज़ है, कॉमन सेंस की बात है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो हमें आदेश का इंतज़ार है, जैसे वहाँ से आदेश आता है 2 सप्ताह बाद जो डेट आपको मिलेगी उस डेट पे आपको आदेश जो है वो फॉलो हो जाएगा, और जो भी चीज़ें हमारे बेनिफिट हमारे पक्ष में निकल के आएंगी उसका लाभ लखनऊ के भी साथियों को मिलेगा। जो मन में संशय और एक थोड़ी सी चीज़ें चल रही हैं कि हमें नहीं मिलेगा, हमारी याचिका कनेक्ट नहीं है, वो तमाम चीज़ें जो है आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। जो भी याचिकाएं हैं लखनऊ में पड़ी हैं, कनेक्टेड हैं, जो नहीं कनेक्टेड है, सिमिलर मैटर है, उन सब पे जो है आपको लाभ मिलेगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, परेशान ना हो। बात करें अगर आदेश कब तक आएगा, ये एक बड़ा सवाल है सर, आदेश कब तक आएगा। देखिए आदेश के विषय में आपको पता था, हमने एक लिस्ट जारी करी थी, आपको बताई थी इसी चैनल के माध्यम से कि जो जज साहब हैं बहुत सारे न्यायाधीश महोदय को जो है तबादला करा गया है, तो तबादला के बाद जो है माननीय भंडारी साहब के विषय में भी आपको पता है कि मुख्य न्यायाधीश थे वो, ठीक है, कार्यवाहक। तो वर्तमान समय में लोग बहुत डरे हुए हैं कि क्या होगा अगर चले गए तो आदेश कैसे आएगा, तो आप वो चीज़ अपने दिमाग से अपने मन से बिल्कुल निकाल दें, आपको आदेश मिलेगा, ठीक है, आदेश आपको मिलेगा, आप उस चीज़ को अपने दिमाग और मन से बिल्कुल निकाल दें, आदेश आपको आपको देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा वक्त लग रहा है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ हमें भी पता है कि थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं, आप इंतज़ार कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते न्यायिक प्रक्रियाओं में, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। अगर आदेश आपका माननीय जज साहब के पास है तो आपके बीच में होगा और चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। बाकी आज की सुनवाई की और भी जो डिटेल जानकारी आपको लेनी है, आप आदेश का वेट करिए, आदेश आ जाएगा शाम तक, या फिर कल भी आ सकता है, कभी कभी आज शाम को भी आ सकता है, आदेश आदेश आएगा, वो आदेश के साथ मैं आपको बिंदुवार जो है डिस्क्राइब कर दूंगा, बढ़िया से बता दूंगा। कुछ साथी पूछ रहे थे सर याची बन सकते हैं, देखिए याची के लिए वर्तमान समय में किसी प्रकार की कोई कंडीशन हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है, ठीक है। कुछ साथी कह रहे सर सुप्रीम कोर्ट में हमें याची बना लीजिए, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्य नहीं चल रहा है, जैसे आदेश का इंतजार हमें भी है, आदेश का वेट आपको भी है, आदेश आने दीजिए, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, तो इसलिए बस एक इंतज़ार है आदेश का। बाकी जो भी सूचना जगत से और शिक्षा जगत से जुड़ी चीज़ें होती रहे वो हम आपके बीच में हमेशा बताते रहते हैं। तो मिलूंगा मैं फिर से तमाम जानकारी तमाम सूचनाओं के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।